मम्मी है, खाना खाई? क्या खाई? बोलो गाइस, बट मेरे बर्थडे को आप विश नहीं किए? हाँ आइए मेरे बर्थडे में, बोलो बोलो। हाँ ये कह दो मेरी बड़ी मम्मी को। ये क्या हुआ? लाडो 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 है। बोलो मेरी मेरी बड़ी मम्मी को सपोर्ट करिए। बोलो मेरी बड़ी मम्मी को सपोर्ट करिए। बोलो गाइस, मेरी बड़ी मम्मी को सपोर्ट करिए। कहते मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोलो जय 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 श्री राम, जय श्री राम। बोल दो हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए हमारे पास आई है, लेटी है, उसके भैया आ गए तुरंत के लिए। भैया देखिए मेरी बिट्टो रानी लेटी है। हाँ चलोगी मेरे साथ? लाडो मेरे साथ चलोगी? गाइस देखिए हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं हम साइंस सिटी और जनेश्वर पार्क टहलने। बच्चे आए थे, ये हुआ कि चलो टहला देते हैं, चाची उनकी बोली। तो इधर हम, मेरी बिटिया रानी, मेरा बाबू, देवरानी, सिस्टर, सब लोग जा रहे थे टहलने। और अब ये देखे बिटिया रानी मेरे पास बैठी है, बाबू बैठा है भाभी नेहा के पास, मेरी देवरानी के पास। और देखिए वो बहुत शांत रहता है। और ये चुलबुली है। हम लोग पहुंच गए यहाँ पे पार्क में। तो अभी पहुंचे हैं साइंस सिटी। यह हुआ कि आए हैं तो टहला दें, बच्चों के लिए होता अच्छा, तो इसलिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे टहलने। तो देखिए अब शुरू हो गया है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर जनेश्वर पार्क चले जाएंगे। तो आप लोग इंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट बनाइए मेरे ऊपर। चलिए देखिए मेरी बिटिया रानी कैसे दौड़ रही है। ये तो बिल्कुल गोदी में आ ही नहीं रही थी, इतना दौड़ रही थी। बाबू और ये दोनों बच्चे इतना खेल रहे थे कि क्या ही बताएं। बाबू तो बहुत सीधा है, देखिए खड़ा है चुपचाप, लेकिन ये भी दौड़ता बहुत है। और ये बड़ा है, बिटिया रानी छोटी है। और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे खूब। तो चलिए गाइस देखिए यहाँ पे था रैबिट। हम लोग यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे, हम थे और बच्चे भी थे हमारे लोग के। ये देखिए बेटा भी मेरा था, हम लोग देख ही रहे थे। और यहाँ पे ज़्यादा वैसे जानवर नहीं थे, बस एक ही दो थे। और यहाँ पे ऐसे इस पे अपना वेट देखते हैं कि मेरा वेट कितना है। अगर उस पे रुका रहता है तो उतना ही आपका वेट होता है। तो ये तीन बना था, तो जिसका जितना वेट होगा। तो मेरा बेटा सोचा खेलने वाली चीज़ है, लेकिन नहीं, वो था वेट नापने का। तो अभी हम भी देखते हैं आके यहाँ पे अपना वेट। यहाँ पे लिखा रहता है, लिखा जो रहता है वहाँ पे पढ़ के आपको ये चीज़ समझनी रहती है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये कर रहा है, तो अपना वेट देख रहा था कि कितना वेट है। अगर जितने पे अगर बराबर में रुक जाता है तो उतना ही वेट होता है आपका। तो देखिए इनकी मौसी भी आ गई देखने के लिए ये सब वेट। तो उधर हम भी थे, किनारे हम थे, बीच में बेटा था, इधर मौसी थी। बाबू देखिए टहला है, बाबू अपना टहला करता है। ये बाबू झूला झूल रहा था, नेहा भी बैठी थी, बाबू बोला मैं भी बैठूंगा तो वो ली थी। और फिर ये दोनों बैठ के देखिए झूल रहे हैं। इसमें तो हम नहीं झूले थे, यहाँ हम बैठे थे। तो अभी ये तीनों झूल रहे हैं, फिर उसके बाद हम झूलते हैं।
तो अभी झूले नहीं हैं, आप देखिए हम तीनों लोग झूल रहे हैं यहाँ पे। अब बहुत मजा आता है, और जब फैमिली के साथ जाइए तो और भी अच्छा लगता है, एंजॉय भी समझ में आता है, एंजॉय भी करना लगता है कि एंजॉय में समझ में आ रहा है, और नहीं तो फिर अकेले जाइए तो नहीं मजा आती है। गाइस देखिए हम तीनों लोग झूला झूल रहे हैं, बिटिया रानी मेरे पास बैठी हैं और रील्स बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए कि हम क्या क्या किए, कहाँ गए। तो गए थे एक ही दिन के लिए, लेकिन रुक गए थे, और देखिए हम तीनों लोग एंजॉय कर रहे हैं, और मेरा बेटा वीडियो बना रहा है, और हम लोग खूब सारा एंजॉय किए हैं। और पहले लेकिन थकान भी लग जाती है काफ़ी टहलने में, तो क्या करें, हम 2 दिन के लिए गए ही थे, और इधर देखिए हम अपनी वीडियो खुद बनाने लगे। अभी ये देखिए छोटा वाला बेटा मेरा क्या कर रहा है, और ये बिटिया रानी देखिए। तो इसमें नॉलेज वाली चीज़ रहती है पार्क में, साइंस सिटी में, जो लोग लखनऊ के होंगे उन लोग को पता होगा। और ये ऐसा था कि ये चल रहा था तो जैसे हैंड पाइप चलता है पानी आता है, वैसे ही था ये झूला। ये आप ज़्यादा बैठे हैं, देखिए क्या कहते हैं। तो देखिए हम लोग अभी झूल ही रहे हैं, ये देखिए मेरी बहन और कौन मेरा बेटा है, दोनों लोग बैठे थे। देखिए इसे ऊपर नीचे जो जिधर जाएगा उधर पानी आता है, निकलता है पाइप का, तो अच्छा लग रहा था। सब लोग थे इधर, हम भी खड़े थे, रानी की बड़ा वाला बेटा था, और सब लोग थे। ये देखिए सब लोग देख रहे हैं, हम भी अपना इधर उधर घूम रहे थे। तो धूप काफ़ी थी, बहुत तेज़ धूप थी, तो ये हुआ कि अभी निकल जाएंगे तो टहलते घूमते, वैसे भी रात ही हो जाती है, शाम हो जाता है। तो हम लोग गए थे 1 बजे और आए हैं रात में हम लोग 10 बजे वहाँ से घूम टहल के, क्योंकि तो जनरेशन पार्क में भी टाइम लग गया था वहाँ पे भी, और वहाँ पे तो रात में ही अच्छा लगता है टहलने का, तो इसके वजह से हम लोग देखिए अभी घूम ही रहे हैं। और यहाँ से जल्दी निकल लिए थे लेकिन तभी भी टाइम हो गया था काफ़ी। इंजॉय करिए आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो वहाँ पे आ गए थे लैब टाइम, वहाँ पे भी सारा पता नहीं और ये देखिए ढेर सारी चीज थी, बहुत नाम था फिश थी, बहुत नाम भी था। एक फिश थी तो अपना चारों पैर कहते हैं पानी में लगा के ऐसे ही पानी में रहती है, लटकी रहती है, तो आपको दिखाई ये देखिए, और ये किनारे ऐसे सोई भी रहती है, ऊपर देखिए ऐसे पानी में चारों पैर से ऊपर से पैर खींचते, तो जब उसको चलना रहता है तो पैर छोड़ देती है, तो टहनियाँ लगती है। आ रही है नीचे तो चलने लगेगी अभी, तो बहुत सारी बहुत अच्छी मछलियाँ थी, बहुत अच्छा कलर में थी, अब पता नहीं कौन कौन सा मुझे पता नहीं। पता नहीं क्या क्या था नाम याद नहीं, बहुत अच्छा लगा था। हम लोग आए हुए थे वहाँ पे रहती हैं जो रानी, तो ये होता है चलो घर में आया गया था, ये भी खाए थे और बच्चे लोग भी रहते थे, बच्चे तो वजह से मन नहीं करता आने का, लेकिन तो बिटिया रानी सो रही थी तभी चले आए थे, लेकिन बहुत रोती है ये। आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अब इसके बाद हम लगाते हैं म्यूजिक, आप लोग एंजॉय करिए मेरे वीडियो को।
आगे जाइए। क्या हुआ पानी स्विमिंग कर वाला सही से देखी। एक मिनट ला वीडियो बना, उधर चला जा। सर उठाते हुए खाली सर उनको याद है नहीं है कि पीछे पीछे तिरंगा है।